रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमतों के चलते गोलों में काफी हद तक आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज भोपाल के रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों ने अपना आक्रोश जाहिर किया है। ऑटो वालों का कहना है पेट्रोल के दम तो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, पर पैसेंजर उनको किराया बढ़ाकर नहीं दे रही है, जिसके चलते उसको अपने परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रिपोर्टर आदिल खान के केकेआर न्यूज़ से। और जैसा कि अभी हम सब जानते हैं इस बात के जो कोरोना महामारी के बाद जो महंगाई का पहाड़ जनता पे टूटा है, उसी को लेकर अभी हम भोपाल रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़े हैं, जहां ऑटो चालकों का विरोध है कि पेट्रोल की जो महंगाई रोज पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए हम यहाँ के ऑटो चालकों से जानते हैं किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पेट्रोल की महंगाई के चलते। सर, आपका नाम? मेरा मोबी नखाना। तो पेट्रोल की जो ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके चलते आप लोगों को किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पेट्रोल के ऊपर एक महीने तक बराबर रेट बहुत से चले गए। यहाँ तक हम लोग कि अब ये 2 साल से पेट्रोल की मांग देखते हुए आ रहे हैं और 105 रुपये लीटर पेट्रोल 15 का ऑयल मिला के 120 रुपये का एक लीटर पेट्रोल पड़ा। कस्टमर भी बेचारा क्या करे, वो भी परेशान है 2 साल से। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ऑटो चालक को जो पहले पेमेंट मिलता था, पैसे मिलते थे, उससे भी कम पैसे देते। मजबूर अगर मैं मध्य प्रदेश ऑटो रिक्शा चालक करता हूँ, मोहन खान, मध्य प्रदेश की राजधानी बदकिस्मती से भोपाल स्टेशन पे ऑटो स्टैंड पर मैं उसको देखता हूँ। मजबूर होकर मेरे को 2-2, 3-3 सवारी शेयर करके, क्योंकि मुझे एक नगर के लोगों को भी देखना पड़ता है और पहुँचाना पड़ रहा है। वैसे ही गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, इन लोगों को इतना रोज़गार मिल नहीं रहा है। आज ऑटो चालक बद से बदतर की हालत पे हो गया। 2 वक्त की 2 जून की रोटी कमाना उसको मुश्किल हो गई। और ये बेरहम सरकार, ये शासन प्रशासन आंखों में पट्टी बांधे बैठा है, बातें बड़ी बड़ी करता है। आज जवाब दे वो मुझे, क्या आज तक उसने किसी ऑटो चालक के खाते में 50,000 रुपये डाली क्या? क्या उसके परिवार के लिए सोचा? आज महामारी के शिकार हो रहा है बीमारियों के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके घर में 2-4 टेस्ट नहीं हुए हों और एक आध दो गमियाँ नहीं हुई हों। उसके बाद भी ये मेरी पूरी सरकार और शासन प्रशासन उन पर गबन दीजिए अपना ये, चाहे लॉकडाउन हो, सारे नियम अपनाओ, मास्क लगाओ, ये तो हमारे लिए जरूरी, हम तो करेंगे उसके लिए। आप कहते हो डिस्टेंस रखो, डिस्टेंस कहाँ से रखें? आप जहाँ चाहते हो वहाँ बैरियर लगा देते हो, जब चाहते हो ट्रैफिक रोक देते हो, वहाँ 2-2, 3-3 वाहने खड़ी हो जाती हैं, बाइकें खड़ी हो जाती हैं, फिर कहा जाता है आपका नियम और कानून? क्यों रोकते हो, क्यों बैरियर लगाते हो, क्यों आम जनता को परेशान करते हो? अभी जैसे तो देखने को मिल रहा है कि जो जगह जगह बिजली लगाए गए हैं, उसके साथ ही दी जा रही है, उसको लेकर क्या विचार है आपको? मेरा विचार ये है कि आज तक कोरोना एक बीमारी है, महामारी है, मगर कोरोना तो आज तक अगर इनमें कुछ है जो कोरोना से डेड बॉडियां जा रही हैं, तो उनके सर्टिफिकेट पे लिख कर दे ये कि ये कोरोना की बीमारी से मरा है। क्यों नहीं मेडिकल ऑफिसर उस सर्टिफिकेट पे लिख के दे रहा है कि ये कोरोना से मरा है? कोरोना की अगर बीमारी होती वर्ल्ड में तो 10% दुनिया को होती। ये आम बीमारी है, सर्दी, जुकाम, बुखार, चेचक, मलेरिया, डायबिटीज, ये कोई आज नहीं पैदा नहीं हुई है, मगर इस पर रिसर्च करने की बजाय आप आम जनता को सहूलियत पहुंचाने की बजाय आप टॉर्चर कर रहे हो, उसका दिमाग की संतुलन को बिगाड़ रहे हो। आप इतना प्रोपेगंडा कर देते हो, आपको खुद नहीं मालूम ये कौन सी बीमारी है, हमें कौन सा मेडिसिन देना है इसमें। आपने 14-14 दिन हॉस्पिटल में रखा, एक टेबलेट सुबह एक शाम को दे दी, कई पेशेंट आपके सामने ऐसे आए कि देखो आप तो स्वस्थ हो, स्वस्थ जा रहे हैं, ये आपकी मेडिसिन ये रखी है जो ये पूरी सुबह उठा आपने हमको दे। ये ट्रेनों की कमी के चलते, महंगाई के चलते यहाँ पर ऑटो चालकों की कमी देखने में आई है या नहीं कोरोना के बाद? ऑटो चालकों की कमी तो छोड़िए, यहाँ पर प्रशासन ने इतना दमन नीति अपनाई थी कि ऑटो लगने ही नहीं दिए थे। जब
पहले लॉकडाउन के अंदर पैसेंजर उतरता था, कुछ ट्रेनें आती थी, माँ बहन बच्चे बूढ़े या धूप को पानी को तरस गए, रेलवे ट्रेन किने बंद हो गई। मैं मोबीन खान अपने साथियों को लेके गया, यही कलेक्टर महोदय जो मौजूद है इनको मैं 5 पॉइंट का लेटर दे के आया कि कम से कम कॉमर्शियल गाड़ियां 4 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो उनको खड़े होने की अनुमति दे, जो रात में उतर रहा है और दिन में उतर रहा है वो अपने गंतव्य स्थान तक जा सके। आज भी मैंने कई गाड़ियां कंट्रोल रूम फोन कर करके छोड़वाई है, गाड़ियों को जो रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं उनके पास टिकट उनको रोक ली जाती है। क्या यही आपकी व्यवस्था? बच्चे बैठे हैं, माँ बहने बैठी है, मेरे को यहाँ से फोन करना पड़ा कंट्रोल रूम के, देखिए आपकी अभी उनके पास ब्रिज के नीचे वाला गाड़ी को रोका हुआ है, उसको छुड़वाइए आप। क्या ये मेरा काम है? मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, मैं लगा रहता हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं कि मैं लॉकडाउन के अंदर में हो मेरे साथी यहाँ कुछ ना रहा हो, हम लोग सेवा करते हैं, सेवा योग्य है, सेवा करते रहेंगे। सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, या हमारे लोग बहुत मेहनती लोग हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, इनको मेहनत करके खाने दिया जाए, अगर इनको पूर्ति नहीं हो रही कुछ तो सर्व करे शासन प्रशासन। अब तो इनके खातों में कम से कम 50-50 हजार डाल दो, करोड़ों तो तुमने कहा करे उसके हमें नहीं हिसाब चाहिए, तुम इन गरीबों के पेट तो भर लो कम से कम, यही मेरा। जैसा कि देख सकते हैं कि जनता का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है महंगाई के चलते, किस तरीके से जनता के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है सरकार की तरफ से, जिसके चलते लोग परेशान होके आज अपना आक्रोश सरकार न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं के क्या न्यूज से रिपोर्टर आदित्य। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।